हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओप्पो A3s की चार्जिंग की सप्लाई के बारे में। तो जो हमारा ओप्पो A3s है वो किस तरीका से वर्क करता है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्टर है। तो ये हमारा चार्जिंग इनपुट सप्लाई यहाँ पे हो रहा है रेड कलर से। तो ये हमारा, आप यहाँ पे 5 वोल्ट से चेक कर सकते हैं। और ये हमारा डाटा माइनस और डाटा प्लस की सप्लाई भी दी हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं चार्जिंग का बी बस सप्लाई चेक करा देता हूँ। तो हमारी बी बस की सप्लाई यहाँ से सीधा निकल कर वो कहाँ पे जा रहा है वो आपको दिखा देता हूँ मैं भी। तो दोस्तों, हमारे बी बस की सप्लाई जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है सीधा, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आईसी लगी है, तो ये आईसी से यहाँ से सीधा निकलने के बाद हमारा इस आईसी के अंदर आया हुआ है सीधा हमारा ये 5 वोल्ट। तो आप यहाँ तक 5 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा ये, और ये हमारे यहाँ पे बी पेच पावर की सप्लाई है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा बी पेच पावर की सप्लाई भी यहाँ से बन रहा है दोस्तों। और ये इस पॉइंट से हमारा चार्जिंग का आउटपुट सप्लाई है जो कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। इसकी आउटपुट की सप्लाई में यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और यहाँ से सीधा निकल कर वो कहाँ पे जा रहा है वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा ये चार्जिंग की आउटपुट सप्लाई दोस्तों। तो ये हमारा चार्जिंग का आउटपुट सप्लाई सीधा यहाँ से निकलने के बाद वो हमारा यहाँ पे एक डायोड लगा है, और ये 3 कैपेसिटर लगे हैं दोस्तों, और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप चार्जिंग का आउटपुट सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। इस तरीका से हमारा ये चार्जिंग का सेक्शन वर्क कर रहा है। और ये हमारे थर्मल और आईडी की लाइन है, तो मैं आपको थर्मल और आईडी की लाइन में दिखा देता हूँ जो हमारी कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और इसकी सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये हमारी थर्मल और आईडी की लाइन है। कई बार इन सप्लाई ब्रेक होने पर और ख़राब होने पर भी हमारे कई बार फ़ोन डेड हो जाते हैं और चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है। तो देखो दोस्तों, एक सप्लाई हमारे यहाँ पे आई हुई है ये, और ये हमारी जो दूसरी सप्लाई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये दोनों की सप्लाई में 1-1 किलो ओम का रजिस्टर और 1-1 डायोड लगा है। तो इस तरीका से आप चेक कर सकते हैं सप्लाई दोस्तों, मगर सारी इस आईसी के अंदर ही आई हुई हैं। तो आपको इस आईसी को ही देखना पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो। और ये हमारा डाटा माइनस और डाटा प्लस की सप्लाई दोस्तों। तो डाटा माइनस की सप्लाई और डाटा प्लस की माइनस की सप्लाई में तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट है आप देख सकते हैं, और ये सीधा हमारा सीपीयू के अंदर गई हुई है। तो इस तरीका से आप वीडियो में देखकर जंपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।